विशालकाय सांप और मगरमच्छ का हमला। एक दिन झरने के रास्ते से एक विशालकाय सांप जंगल में आता है। उसके बड़े ही तेज धारदार दांत थे। सबसे पहले उस सांप को एक सुअर देख लेता है। सांप सांप, सुअर जोर से चिल्लाता कि तभी सांप तेजी से सुअर के पास आकर उसे निगल लेता है। सांप का पेट सुअर की वजह से भर जाता है, इसलिए वो वहाँ से वापस चला जाता है। सुअर के दोस्त हिरन और बंदर उसे ढूंढने में लग जाते हैं, पर उन्हें सुअर कहीं नहीं मिलता। अरे ये सुअर पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं हिरन, पर मुझे तो अनजाना सा डर लग रहा है सुअर के लिए। सुअर ठीक तो हो गया ना? बेचारे पूरे दिन अपने दोस्त को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। ऐसे ही दूसरे दिन वापस सांप जंगल में आता है। उस दिन वो हिरन को निगल लेता है। बंदर का अब एक और दोस्त कम हो गया, उसे बड़ी चिंता होने लगी। बंदर उदास होकर तालाब किनारे जाता है। तब उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है जो कि खुद से बात कर रहा था। वाह, मजा आ गया आज गाय का शिकार खाकर। इस जंगल में काफी स्वादिष्ट जानवर है। ये सुनकर बंदर को मगरमच्छ पर शक होता है। अरे ये मगरमच्छ कब आया इस तालाब में? मुझे पूरा यकीन है कि इसी दुष्ट ने मेरे दोस्त को मारा है। अब मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। बंदर तुरंत शेर महाराज के पास जाकर अपने दोस्तों के गायब होने की और मगरमच्छ की बात बताता है और उनसे न्याय करने की गुहार लगाता है। तब शेर कहता है, बंदर न्याय जरूर होगा। अगर उस मगरमच्छ ने ऐसा कुछ किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो मेरे साथ, आज ही इस बात का फैसला कर लेता हूँ। बंदर और शेर महाराज मगरमच्छ के पास आते हैं। शेर हिरन और सुअर के बारे में पूछते हैं। तब मगरमच्छ कहता है, महाराज मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन दोनों को गायब नहीं किया और ना ही मैंने उनका शिकार किया। महाराज इसकी बातों में मत आइए, ये हमारे जंगल में नया है। बाकी सारे जानवर हमारे पहचान के हैं, वो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए यह मगरमच्छ ही दोषी है। मगरमच्छ अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करता है, पर शेर और बंदर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। महाराज मुझे एक मौका दीजिए, मैं 2 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3रे दिन मुझे जान से मार देना। शेर न्यायी राजा था, इसीलिए मगरमच्छ को 2 दिन का वक्त देता है। बंदर और शेर वहां से चले जाते हैं तो मगरमच्छ सोच में डूब जाता है कि वो अब क्या करे। दूसरे दिन मगरमच्छ तालाब किनारे बैठा था कि तभी उसे विशालकाय सांप दिखाई देता है। वो सांप बहुत ही भयानक था। सांप झरने से आया था, उसके सामने जो शिकार आया उसका उसने शिकार किया और वापस उसी झरने से चला गया। ये सब देखकर मगरमच्छ सब समझ जाता है। इसका मतलब ये विशालकाय सांप इस सब के पीछे है। उस विशालकाय सांप को अब तक बस मगरमच्छ ने ही देखा था। उसी वक्त वहाँ बंदर आता है। मगरमच्छ बंदर को विशालकाय सांप के बारे में बताता है, पर बंदर उसकी बात नहीं सुनता और उल्टा उसे ही बोलने लगता है। पर इतने बड़े सांप से मैं सबको कैसे बचाऊँ? ये बात मुझे बंदर को बतानी होगी। बंदर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन फिर से विशालकाय सांप जंगल में घुस जाता है। इस बार सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे, इसीलिए सांप को कोई जानवर नहीं मिलता। तब वो जंगल में शिकार के लिए घूमते रहता है। इसी बीच उसे बंदर और बाकी के जानवर देख लेते हैं। इतने बड़े सांप को देखकर सारे डर जाते हैं। शेर विशालकाय सांप पर हमला करता है, जिससे सांप गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से से अपने तेज दांतों को दिखाते हुए जानवरों पर हमला बोल देता है। सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। शेर भी सांप की वजह से घायल हो चुका था। पूरे जंगल में हाहाकार मच गई थी।
बंदर तो भागते हुए तालाब किनारे आता है तो उसके पीछे वो विशालकाय सांप भी वहां आ जाता है। तब मगरमच्छ भी अपने तेज दांतों से सांप को काटता है पर विशालकाय सांप उसे पानी में फेंक देता है। मगरमच्छ उस पर फिर से हमला करता है पर हर बार मगरमच्छ ही हार जाता है। ये सब देखकर वहां एक जादुई मछली प्रकट होती है। हे दुष्ट सांप, वापस चला जा यहाँ से, नहीं तो आज तेरा अंत होकर रहेगा। गुस्से सांप जादुई मछली की बात नहीं सुनता है। तब जादुई मछली उसे अपनी शक्ति से एक साधारण सांप में बदल देती है और मगरमच्छ से कहती है, मगरमच्छ अब इस सांप को जान से मार दो। मगरमच्छ उस सांप पर हमला करके उसे जान से मार देता है और जंगल की मुसीबत खत्म हो जाती है। मगरमच्छ जादुई मछली का धन्यवाद करता है। शेर और बाकी के जानवरों के सामने मगरमच्छ की सच्चाई साबित हो जाती है। बंदर भी मगरमच्छ से माफ़ी मांगता है और उससे दोस्ती करके उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। मैजिकल ड्रैगन और सफ़ेद शेर। एक घना जंगल था। जंगल में दो शेर भाई रहते थे, सिम्बा और वीरू। सिम्बा एक सफ़ेद शेर था। सिम्बा और वीरू के बीच बहुत प्यार था। सिम्बा जंगल का राजा था। वो बहुत ही ताकतवर था। वीरू बहुत ही समझदार और नेक दिल था, जबकि सिम्बा जल्दी ही हर किसी के बातों में आ जाता था और गलत फैसले लेता था। वीरू राजा ना होते हुए भी जानवरों का बहुत ख्याल रखता था, पर ये बात लकड़बग्गे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लकड़बग्गा वीरू से नफरत करता था। वो वीरू को सिम्बा से अलग करना चाहता था। एक दिन लकड़बग्गा भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र एक छोटे से हिरन के बच्चे पर पड़ती है। हिरन के बच्चे को देखकर लकड़बग्गे के मुंह में पानी आता है और वो उस पर हमला करने ही वाला था कि बच्चा उसे देख लेता है और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। मामा मुझे बचाओ, ये लकड़बग्गा मुझे खा जाएगा माँ। बच्चे की आवाज़ सुन वीरू वहाँ आता है और वो लकड़बग्गे को रोकते हुए कहता है, अरे ओ लकड़बग्गे, शर्म नहीं आती तुझे एक बच्चे का शिकार करते हुए? मैं चाहे किसी का भी शिकार करूं, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? तू अपने काम से काम रख, देख अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो। यूं उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लकड़बग्गा सिम्बा को उधर से गुजरता देख अपने मन में सोचता है, अगर इस सिम्बा की नजरों में पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, वीरू से तो मैं बाद में निपट लूंगा। बच्चा वहाँ से भाग जाता है। देखो बेटा, यूँ अकेले घूमना अच्छा नहीं है, जल्दी से अपनी माँ के पास चले जाओ। इधर लकड़बग्गा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अरे इस वीरू की वजह से हाथ आया शिकार छूट गया, मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा, नहीं तो इस जंगल में मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। यूं सोचकर वो सिम्बा के पास जाता है। महाराज की जय हो। अरे लकड़बग्गे कैसे हो, कहो कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज सब ठीक है, वैसे भी जब तक वीरू है हम जानवरों को किस बात की परेशानी हो सकती है। ये बात सिम्बा को कुछ अच्छी नहीं लगती। क्या मतलब है तुम्हारा? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर क्या है ना, वीरू जानवरों के सामने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, जिसे देख जानवर अगली बार आपको हटाकर वीरू को राजा बनाने की सोच रहे है। यूं लकड़बग्गा अनाप शनाप बोलकर सिम्बा के कान भर देता है। ये सुनकर सिम्बा गुस्से से कहता है, अरे ओ लकड़बग्गे बंद कर अपनी बकवास, ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे इसके लिए मुझे वीरू की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। महाराज इसके लिए मेरे पास एक उपाय है जिससे लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मारा जाएगा। क्या उपाय है बताओ? लकड़बग्गा सिम्बा से कुछ बोलता है जिसे सुनकर सिम्बा वीरू के पास जाता है। तब सिम्बा कहता है, अरे वीरू पास के जंगल से मेरा एक दोस्त आया हुआ है, उसके आने की खुशी में मैंने शाम को दावत रखी हुई है, तुम भी मेरे साथ चलो। वीरू मान जाता है। शाम को वो दोनों एक गुफा के पास आते हैं। तब सिम्बा कहता है,
तुम गुफा में चलो, मैं मेरे दोस्त को लेकर आता हूँ। वीरू जैसे ही गुफा में जाता है, सिम्बा और लकड़बग्गा बाहर से गुफा को बंद कर देते हैं। वीरू गुफा में बंद हो जाता है। ये देख सिम्बा और लकड़बग्गा खुश हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर वीरू गुफा में चिल्लाने लगता है, अरे भैया इस पत्थर को हटाइए, मेरी मदद कीजिए। यूं वीरू गुफा से बाहर निकलने के लिए चिल्लाते रहता है, पर उस गुफा के आसपास कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन सके। वीरू चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है कि तभी उस गुफा में एक तेज रोशनी होती है, जिसे देख वीरू और भी डर जाता है। उस रोशनी में से एक जादू ड्रैगन आता है और वीरू से कहता है, वीरू डरो मत, मैं एक जादुई ड्रैगन हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे जानवर हो। उस लकड़बग्गे ने तुम्हारे खिलाफ सिम्बा के कान भरे और तुम्हें मारने की साजिश की, लेकिन अब मैं कैसे बाहर निकलूं? तुम उसकी चिंता ना करो, मैं तुम्हें इस गुफा के बाहर निकाल दूंगा और कुछ जादुई शक्तियां भी दूंगा, जिनसे तुम और भी ताकतवर हो जाओगे। यूं वो ड्रैगन वीरू को अपनी शक्तियों से गुफा से बाहर निकालता है और उसे कुछ जादुई शक्तियां भी देता है, जिससे वीरू अब बहुत ही ताकतवर बन जाता है। वीरू सिम्बा के पास जाता है। सिम्बा और लकड़बग्गा वीरू को देखकर चौंक जाते हैं। तब सिम्बा कहता है, अरे तुम जिंदा हो और गुफा के बाहर कैसे आए? भैया आपने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे खिलाफ जानवरों को भड़का रहे हो और खुद राजा बनना चाहते हो। भैया आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपके खिलाफ मैं साजिश करने की सपने में भी नहीं सोच सकता। ये सुनकर लकड़बग्गा कहता है, देखा महाराज, ये कैसा अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इसे मार दीजिए। बस बहुत हो गया, अब मेरे सामने तुम्हारा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। वीरू के लाख कहने पर भी सिम्बा सुनने की हालत में नहीं था, वो उस पर हमला करता है। वीरू अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके विशाल रूप लेता है। वीरू का ये रूप देख सिम्बा और लकड़बग्गा घबरा जाते हैं। वीरू लकड़बग्गे पर हमला करता है। लकड़बग्गा तो डर के मारे सिम्बा को सारी सच्चाई बता देता है। सिम्बा गुस्से से लकड़बग्गे पर हमला करके उसे मार डालता है। वीरू अपने असली रूप में आता है। सिम्बा अपने किए पर शर्मिंदा था, वो वीरू से माफी मांगता है। वीरू मुझे माफ कर दो, मैं लकड़बग्गे की बातों में आ गया और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। यूं सिम्बा और वीरू फिर से अच्छे भाई बन जाते हैं। जब भी जंगल में कोई मुसीबत होती तो वीरू जादुई ड्रैगन की मदद से जानवरों की रक्षा करता था।